हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, मेरा दोस्त मेरे पास आया और उसने बोला कि यार एक काम था, क्या तुम मेरा काम करा दोगे। मैंने उसको बोला कि तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और वहीं पर बाजू में मेरा एक दूसरा दोस्त खड़ा था, उसने बोला कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। मैंने उसको बोला कि तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम करा दिया जाएगा। और दूसरे दोस्त ने मेरे बोला उसको कि तुम्हारा काम मैं कर दूंगा या मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। दोनों सेंटेंसेस में फ़र्क पता चलता है कि नहीं आपको? मैंने जो बोला कि तुम्हारा काम कर दिया जाएगा, इसमें किसी भी सब्जेक्ट पर फोकस नहीं किया जा रहा है। काम पर कि तुमने बोला कि मेरा काम है, कर दोगे क्या? मैंने बोला उसको कि तुम्हारा काम हो जाएगा, यानी तुम्हारा काम करा दिया जाएगा। और दूसरे दोस्त ने बोला कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, यानी कि वो उसका काम कर देगा। वहाँ पर वो ही आदमी है काम करने वाला और वो काम कर देगा, यानी कि उसका संबंध वर्ब से डायरेक्ट हो रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं, और इसमें कोई भी सब्जेक्ट का वर्ब से डायरेक्ट कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, कोई संबंध नहीं है। तो ये हो गया अलग टाइप का सेंटेंस, और वो अलग, इसको क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस जिसमें हम बी का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम वही चीज़ सीखेंगे कि बी, बीन और बींग का इस्तेमाल हम कब करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, आई विल डू योर वर्क, और तुम्हारा काम हो जाएगा, यानी तुम्हारा काम करा दिया जाएगा। चिंता मत करो, तुम्हारा काम करा दिया जाएगा या तुम्हारा काम हो जाएगा। तो योर वर्क विल बी डन। ओके, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, आई विल डू योर वर्क, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर काम पर फोकस किया जा रहा है, इसलिए हम काम को पहले बोलेंगे कि योर वर्क विल बी डन। बस यहाँ पर बी लगाना पड़ता है। अब इस तरह के सेंटेंसेस क्यों बोले जाते हैं? जब हम किसी काम पर ज़्यादा फोकस करने के लिए बोलते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल होता है। सभी जानते हैं कि ये वॉइस है, पैसिव वॉइस है। एक्टिव, जो मैंने बोला कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, वो एक्टिव है, तुम्हारा काम हो जाएगा, वो पैसिव है। बट ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि पैसिव का इस्तेमाल हम करते कैसे हैं या पैसिव सेंटेंसेस को हम पहचानेंगे कैसे। ओके फ्रेंड्स, जब भी हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को फोकस न करके हम काम को फोकस करते हैं तो वो पैसिव सेंटेंसेस में बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी ने आकर मुझसे पूछा कि यार मैंने दुकान पर कुर्सी बनाने के लिए दिया था, उसने कुर्सी बनाया कि नहीं बनाया, क्या पता। मैं बोला चलो पूछ लेते हैं। फिर उसके कारपेंटर से पूछा तो उसने बोला कि आपकी कुर्सी बनाई जा रही है, अभी दो दिन में आपकी कुर्सी बन जाएगी। आपकी कुर्सी बनाई जा रही है, अभी बन रही है, यानी कि बनाई जा रही है, आपकी कुर्सी का काम हो रहा है, वो दो दिन में आपकी कुर्सी बन जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों तरह के सेंटेंसेस क्या है? पैसिव है। और इस दोनों सेंटेंसेस में आपकी कुर्सी बन जाएगी, आपके काम पर, आपकी कुर्सी और काम पर फोकस किया जा रहा है, किसी सब्जेक्ट पर या किसी काम करने वाले पर फोकस नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? करते हैं, हमेशा करते हैं, रोज करते हैं। कि भाई क्या हुआ, मेरा कुर्सी का बना कि नहीं? तो बोलेगा आपकी कुर्सी अभी बन रही है, दो दिन में आपकी कुर्सी तैयार हो जाएगी या बन जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अगर वो कारपेंटर बोलेगा कि मैं आपकी कुर्सी अभी बना रहा हूँ, तो वहाँ पर अलग बात हो जाएगी। मैं आपकी कुर्सी अभी बना रहा हूँ, तो आई एम मेकिंग योर चेयर। और अगर मैं बोलता हूँ कि मैं आपकी कुर्सी बना दूंगा, तो आई मेक योर चेयर। अगर इसी को बोला जाए काम पर फोकस करने के लिए कि आपकी कुर्सी बन जाएगी, योर चेयर विल बी मेड। ओके फ्रेंड्स, आपकी कुर्सी अभी बनाई जा रही है, यानी कि अभी बन रही है, उसका काम चल रहा है। योर चेयर इज बींग मेड, तुम्हारी कुर्सी बनाई जा रही है। यहाँ पर रहा रही, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस आता है। जब भी कंटिन्यूअस टेंस आता है तो उसमें आईएनजी वर्ब के साथ लगता है। बट वो कब लगता है? जब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो,
लेकिन यहाँ पर कोई सब्जेक्ट काम करने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर काम को किए जाने की बात की जा रही है। एक में सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव वॉइस में जो है काम किया जाता है, काम किए जाने की बात की जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो कुर्सी बनाई जा रही है और मैं कुर्सी बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग चेयर, और कुर्सी बनाई जा रही है, द चेयर इज बीइंग मेड। ओके फ्रेंड्स, वहाँ पर जो मेन वर्ब है मेक, मेक का थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है पैसिव वॉइस में, आपको पता है, बट अगर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस बताना है तो हम आई एन जी कहाँ लगाएंगे, आई एन जी बी में लगा देते हैं, बी के साथ आई एन जी लग जाता है, तो फिर वो कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस रहता है और काम पर फोकस करने की बात कही जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ सेंटेंसेस हम बनाते जाते हैं। अभी ये बी और बीन जितने भी मॉडल वर्ब हैं, मॉडल वर्ब जितने भी मॉडल वर्ब हैं, सारे मॉडल वर्ब के साथ उसका जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें बी लगाकर पैसिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे ये काम हो सकता है, दिस वर्क कैन बी डन, उस पेड़ को काटा जा सकता है, दैट ट्री कैन बी कट, उसे पीटा जा सकता है, ही कैन बी बीटन, मीन्स उसे पीटा जा सकता है, पेड़ काटा जा सकता है, ठीक है, बुक पढ़ी जा सकती है, ये काम पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और जितने भी मॉडल वर्ब इस तरह के आते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, इसके जितने भी सेंटेंस आएंगे जो पैसिव में आएंगे, जो किया जाएगा, कर दिया जाएगा, किया जाना चाहिए, किया जा सकता है, यानी कि किए जाने की बात की जाएगी, कोई कर रहा है ये नहीं बताया जाएगा, कोई कर सकता है ये नहीं बल्कि किया जा सकता है ये बताया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं पेड़ काट सकता हूँ, आई कैन कट ट्री, बट हम अगर बोले पेड़ को काटा जा सकता है तो वहाँ पर वस्तु और वर्क पर फोकस किया जा रहा है, न कि सब्जेक्ट पर कि जो काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं पेड़ काट सकता हूँ, आई कैन कट ट्री, पेड़ को काटा जा सकता है, द ट्री कैन बी कट, सिर्फ सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, उसके बाद हम मॉडल वर्ब लगाकर बी लगाकर फिर क्रिया का तीसरा फॉर्म लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें शुड मस्ट भी आता है, शुड मस्ट का भी हम बना सकते हैं, जैसे किसी को काम करना चाहिए, ठीक है, तुम्हें दूध पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक मिल्क, ओके, बट हम ऐसा बोलेंगे कि दूध पिया जाना चाहिए, दूध पिया जाना चाहिए, तो जब सेंटेंस में यह बताया जाए कि किसी को कोई काम करना चाहिए तो वो एक्टिव हो गया, और किसी काम को किया जाना चाहिए तो वो पैसिव हो गया। तो दूध पिया जाना चाहिए, मिल्क शुड बी ड्रंक, तुम्हें कविता याद करनी चाहिए, यू शुड लर्न पोयम, कविता को याद किया जाना चाहिए, द पोयम शुड बी लर्नड। ओके फ्रेंड्स, इस तरह के जितने भी मॉडल वर्ब आते हैं उनमें वी लगा दो, बी लगाने के बाद क्रिया का तीसरा फॉर्म, उसके बाद ऐसा ये पैसिव सेंटेंस हो जाता है। पैसिव सेंटेंस का बहुत ही साधारण सा रूल है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट मान लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वी थ्री। ओके फ्रेंड्स, अभी हम बीन की बात करेंगे, तो बीन कहाँ लगता है, मैंने ताजमहल देखा है, ठीक है, मैंने ताजमहल देखा है, तो आई हैव सीन ताजमहल, बट अगर हम ऐसे बोलेंगे कि ताजमहल देखा जा चुका है, ताजमहल देखा जा चुका है, हम घूमने गए हैं, और कोई बोलता है चलो यार ताजमहल देखते हैं, तो मैं बोलूँगा कि मैंने ताजमहल देखा है, आई हैव सीन ताजमहल। लेकिन अगर वहाँ पर इस बात पर जोर दिया जाए कि ताजमहल को देखा जा चुका है तो कैसे बोलेंगे, द ताजमहल हैज़ बीन सीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस है जो हैज और हैव के बाद बीन लगाकर वी यानी क्रिया का तीसरा फॉर्म लगाकर हम पैसिव सेंटेंस बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, यह काम हो चुका है, दिस वर्क हैज बीन डन, ठीक है, मैं उनसे मिल चुका हूँ, आई हैव मेट हिम, और उनसे मिला जा चुका है यानी उनसे मिल लिया गया है, तो ही हैज बीन मेट। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से और भी हम सेंटेंसेस बताते हैं आपको, जैसे इस बोर्ड पे लिखा है कि आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, आई विल ड्रॉप यू,
लेकिन आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, कोई मेरे घर पे आया है और उसको जाने का टाइम हो गया है, तो बोलेगा कि अरे यार एक घंटा टाइम है, ट्रेन छूट जाएगी मेरी, मुझे जाना है। तो मैं बोलूँगा टेंशन मत लो, आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा, तुम्हें ड्रॉप कर दिया जाएगा, ठीक है। मैं करूँगा या मेरा भाई करेगा या मेरे पिताजी करेंगे या मेरा दोस्त करेगा, कौन करेगा ये ज़्यादा माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा, यानी कि ड्रॉप करना वहाँ पर काम है, वो फोकस किया जा रहा है ड्रॉप करने की बात पर। ओके फ्रेंड्स, कि आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो अगर मैं बोलूँगा कि मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा तो आई विल ड्रॉप यू, बट आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा अगर ऐसा बोलना हो तो यहाँ पर हो जाएगा यू विल बी ड्रॉप्ड। ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हो गया। और जितने भी मॉडल वर्ब से सेंटेंसेस बनते हैं, सारे के सारे सेंटेंसेस मॉडल वर्ब के बाद बी लगाकर और क्रिया का तीसरा फॉर्म लगाकर हम उसको पैसिव बनाते हैं। दूसरा सेंटेंस है उसे इनाम दिया जाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। कौन इनाम देगा ये माने नहीं रखता है, माने रखता है कि उसे इनाम दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? अगर हम बोलेंगे कि प्रधानमंत्री उसे इनाम देंगे तो प्रधानमंत्री पर हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोगों की ध्यान, जो लोगों की ध्यान है वो उसके इनाम देने की बात पर हम फोकस करना चाहते हैं, तो ऐसे बोलना पड़ेगा कि उसे इनाम दिया जाएगा। अगर उसके इनाम देने की बात पर फोकस करनी है, दूसरों का ध्यान खींचना है, तो उसे इनाम दिया जाएगा ये बोलना पड़ेगा। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही विल बी अवार्डेड। काम हो रहा है या काम किया जा रहा है, द वर्क इज बीइंग डन। आपकी कुर्सी बनाई जा रही है, योर चेयर इज बीइंग मेड। उसे चुन लिया गया है, उसे चुन लिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अगर किसी ने चुना होता तो बोलते कि उसने उसको चुन लिया है, बट उसे चुन लिया गया है, इस बात पर फोकस की जा रही है, तो ही हैज बीन सेलेक्टेड। आपका काम हो गया है, योर वर्क हैज बीन डन। उसको मैसेज भेज दिया गया है, ओके, द मैसेज हैज बीन सेंट टू हिम। पैसे बैंक में जमा हो गए हैं, यानी कि जमा करा दिए गए हैं, द मनी हैज बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक। ओके फ्रेंड्स, अभी उम्मीद करता हूं कि बी बीइंग और बीन का इस्तेमाल करते वक्त अभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन बाकी रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको शुरू से इंग्लिश सीखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस वाली प्लेलिस्ट को आप क्लिक करके सारे वीडियोज एक एक करके आप देखिए शुरुआत से, आप बिल्कुल शुरू से अगर सीखना चाहते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए, कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप घर बैठे इंग्लिश सीखते रहें। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।